स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरुजी चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एलटी इंग्लिश टीजीटी पीजीटी एंड लेक्चरर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर ऑकर्स इन। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये किस में किसकी लाइन है? ये लाइन है एंडी म्यून की, दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1818। और ये जो है जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया था। और ये इसकी जो पोयम है ये ओपनिंग लाइन है एंडी मैन की, ये जो है ओपनिंग लाइन है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइन है। सेकंड क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेड्स केम इन। लिरिकल बैलेड्स जो है एस्ट्री कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और ये आई थी 1798 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्रेलिटी दे नेम इज वोमैन, हु सेज दिस। ये फ्रेलिटी दे नेम इज वोमैन, ये कहा गया है हैमलेट ने कहा गया है और ये हैमलेट प्ले का भी नाम है और ये शेक्सपियर ने लिखा है इसको हैमलेट को, और ये इसमें हैमलेट ने ये पंक्तियां कही हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, फिल इन द ब्लैंक्स, ही नीड्स अ वीजा, इसमें अ आएगा। फिर है टेन पाउंड्स इज अ लोट ऑफ मनी, इसमें अ लोट ऑफ आएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हु इज कॉल्ड द पोएट्स पोएट। पोएट्स पोएट किसे कहा जाता है? ये एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्पेनिश ट्रेजडी। स्पेनिश ट्रेजडी के ऑथर कौन है? स्पेनिश ट्रेजडी के लेखक थॉमस किड हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में बाइबल का फर्स्ट ट्रांसलेटर किसे समझा जाता है? ये जॉन वाइक्लिफ को समझा जाता है। नेक्स्ट है, द एक्सप्रेशन गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स, ये गिफ्ट ऑफ गैप का जो अर्थ है वो पावर ऑफ एलोक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर नाइन, द एंटोनिम ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट। द एंटोनिम ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट में है इकोनॉमिकल। एक्स्ट्रावेगेंट का जो है एंटोनिम वो इकोनॉमिकल है। फिर है क्वेश्चन नंबर टेंथ, मैकबेथ सीज द गोस्ट ऑफ। ये मैकबेथ एक ट्रेजडी है जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है और मैकबेथ जो है इसमें बैंक्यो के गोस्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, द एज ऑफ रोमांटिकिज्म वॉज। ये रोमांटिकिज्म की एज थी 1800 से 1850 तक। क्वेश्चन नंबर 12, हु मॉर्न द डेथ ऑफ डब्ल्यू बी ईयर्स इन एंड एलजी। डब्ल्यू बी ईयर्स की डेथ पर किसने एक एलजी को लिखा है? ये डब्ल्यू एच ऑर्डर ने लिखा है। नेक्स्ट है, ड्रेडन्स ऑल फॉर लव इज रिटन इन ब्लैक वर्स। ये ड्रेडन्स ऑल फॉर लव जो है शेक्सपियर के एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की इमिटेशन है और इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। फिर है आपका, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, बॉयज विल बी बॉयज। इसमें जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है वो है एपिग्राम। क्वेश्चन नंबर 15, टू विच लिटरेरी एज डिड चार्ल्स डिकन्स बिलोंग। चार्ल्स डिकन्स किस एज से बिलोंग करते हैं? वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं और विक्टोरियन एज 1837 से 1901 तक है। सो इसका जो आंसर होगा वो विक्टोरियन एज होगा। डिक्शन मीन्स सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर।
Who is the writer of Mrs. Dalloway that was published in 1925? Mrs. Dalloway के writer कौन है? ये Virginia Woolf ने लिखा है और ये published हुआ था 1925 को. Fill in the blanks. First है each pen and pencil. इसमें दो options दिए गए हैं is और are. तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो इज आएगा. ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड. ईच के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा. फिर टाइम एंड टाइड. टाइम एंड टाइड वेट्स या वेट फॉर नो मैन. इसमें वेट आएगा. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन. फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में आएगा What is the synonym of invasion? Invasion का जो synonym है वो क्या है? Invasion means attack and aggression. इसके जो synonym होंगे वो attack and aggression होंगे. Question number 20. What is the antonym of make? Make का antonym क्या होगा? The antonym of make will be mar. M-A-R. Question number 21. The character of the leech gatherer appears in. Leech gatherer का जो character है वो किस में आता है? ये आता है Resolution and Independence that was written by William Wordsworth. It was composed in 1802 and published 1807. And it's very very important for your examination. Question number 22. Who wrote the poem The Lady of Shalott? ये question भी repeat हो चुका है. The Lady of Shalott was written by Alfred Tennyson. ये एक Victorian ballad है. Question number 23. In whose memory was In Memoriam written? इन मेमोरियम किसकी याद में लिखा गया है? तो ये आर्थर हेनरी हेलम की याद में लिखा गया है. और इसको जो है इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो द वे ऑफ द सोल है. क्वेश्चन नंबर 24. एबेल वीटल इज अ कैरेक्टर इन. एबेल वीटल जो है एक कैरेक्टर का नाम है वो किस में है? ये हमारा जो द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज that was published in 1886 and it is written by Thomas Hardy and its subtitle is The Life and Death of a Man of Character. और ये Thomas Hardy जो है एक British character है, British author है. The line I am No Prince Hamlet, nor was meant to be, appears in. P.S. Eliot's. ये जो I am no Prince Hamlet, nor was meant to be. ये जो है T.S. Eliot के The Love Song of J. Alfred Prufrock में घटित होती है. उसकी ये line है. Question number 26. Madame Sosostris is a character in the Rubaiyat Lind. Madame Sosostris जो है एक character है जो कि West Lind में है and West Lind is written by T.S. Eliot and that was published in 1922. ये 1922 में published हुआ था. ये भी आप याद रखिए. It's a very very important question. Question number 27. Who is known as the Bard of Democracy? The Bard of Democracy के नाम से किसे जाना जाता है? ये Walt Whitman को Bard of Democracy के नाम से जाना जाता है. फिर हमारा question number 28. Question number 28 में Absalom Absalom is work by. ये Absalom Absalom किसका work है? ये William Faulkner का work है. And it was published in 1936. और ये जो है हमारा 1936 में पब्लिश हुआ था. क्वेश्चन नंबर 29.
फोकनर साउंड एंड द फ्यूरी वॉज पब्लिश्ड इन, ये फोकनर का साउंड एंड द फ्यूरी वर्क है और ये बहुत ही ज्यादा फेमस वर्क है इनका, और ये हमारा ये जो पब्लिश हुआ था ये हुआ था 1929 में हुआ था, और ये साइकोलॉजिकल नॉवल है। इसे ये भी याद रख लीजिए कि ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है। दे सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दो हैडस्ट अ वॉइस हूज साउंड वॉज लाइक द सी, हु सेड एंड वेयर, ये किसने कहा था और कहां पर कहा था, ये वर्ड्सवर्थ जी ने कहा, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था, और ये मिल्टन के ऊपर इन्होंने एक सनेट लिखा है, उस सनेट में इन्होंने मिल्टन के बारे में ये लाइनें कही थी। क्वेश्चन नंबर है 31, मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन के द्वारा एक सनेट है, तो ये सनेट कैसा है, ये पैटरचंद सनेट है, कौन सा सनेट है, ये पैटरचंद सनेट है। क्वेश्चन नंबर 32, Which is Galsworthy's first play? ये गाल्सवर्थी का फर्स्ट प्ले कौन सा है, ये सिल्वर बॉक्स है और ये 3 acts की कॉमेडी है, और ये पब्लिश हुआ 1906 में। गाल्सवर्थी का जो फर्स्ट प्ले है वो सिल्वर बॉक्स है और ये 3 acts की कॉमेडी है और 1906 में इसको पब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 33, When was Galsworthy awarded prize for literature? Galsworthy को literature के लिए award कब दिया गया? ये award इन्हें मिला 1932 में, and it's a very very important questions for your examination. याद कर लीजिए कि ये 1932 में इनको जो है Nobel award दिया गया। Question number 34. The term womanism was first used by, ये womanism की एक टर्म है और इसको पहली बार किसने यूज किया था, तो इसको यूज किया था एलिस वॉकर ने। एलिस वॉकर ने womanism टर्म जो है फर्स्ट पहली बार इसको जो है यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 35, द फर्स्ट ट्रेजडी रिटन इन इंग्लिश इज गोरबोटक, जो फर्स्ट ट्रेजडी है इंग्लिश में लिखी गई है वो गोरबोटक है, और इसको किसने लिखा है, इसके क्या कौन से राइटर हैं? इसके राइटर हैं थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन, ये जो है थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन ने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज नोन फॉर हिज एफ्रोस्टिक प्रोज स्टाइल, अपने एफ्रोस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए कौन जाना जाता है, तो ये बेकन है, फ्रांसिस बेकन इज नोन फॉर हिज एफ्रोस्टिक प्रोज स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 37, रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोइट्री इज, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोइट्री है वो कैसी है, रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोइट्री इज ऑप्टिमिस्टिक, ये ऑप्टिमिस्टिक है। क्वेश्चन नंबर 38, डब्ल्यू एच ऑर्डन बिलोंग्ड टू द, डब्ल्यू एच ऑर्डन जो है किस एज से बिलोंग करते हैं, ये 20th century से बिलोंग करते हैं, तो इसमें 20th century आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39, कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू, कैम्ब्रिज स्कूल जो है किसको रेफर करते हैं, इट इज ग्रुप ऑफ अर्ली 20th century, ये 20th century का एक ग्रुप है, उसको कैम्ब्रिज स्कूल रेफर करता है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, हु सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के लिए स्टाइल को किसने सेट किया, ये किया स्विफ्ट ने, तो इसका आंसर आ जाएगा स्विफ्ट। क्वेश्चन नंबर 41, द पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाय, ये पुलित्जर प्राइज जो है किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क आएगा इसमें, और किसकी याद में दिया जाता है, जोसेफ पुलित्जर की अवार्ड याद में इसको दिया जाता है। एवरी मैन इज अ मोरलिटी प्ले, ये एक मोरलिटी प्ले है। क्वेश्चन नंबर 43, द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज इन द यूएसए वॉज, ये
पहले भारतीय लेखक कौन थे जिनको पुलित्जर प्राइज दिया गया था यूएसए में? वो झुम्पा लाहिरी थे। झुम्पा लाहिरी को जो है पुलित्जर आवाज अवार्ड दिया गया था। फिर आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई? ये हुई 1789 में। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई। फिर द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट। द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट इज सैडॉक। ये बेकन के बारे में कहा गया है और ये कहा है अलेक्जेंडर पॉप ने। क्वेश्चन नंबर 46। बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज रिटन बाय। बायोग्राफिया एंड लिटरेरिया के जो ऑथर हैं वो कौन है? वो है एस्ट्री कॉलरेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।